रामायण में 28,000 श्लोक है, तो महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में ये पुस्तक आती है जिसमें 701 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। हम दूसरा अध्याय कर रहे हैं जिसका नाम सांख्य योग है। सांख्य योग संस्कृत के शब्द संख्या से निकला है। संख्या मीन्स क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक। तो बात चल रही थी देही की, शरीरी की। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन डिप्रेशन में था, विषाद में था। भगवान जी को उसने समर्पण किया दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान जी ने बताया कि देहधारी के अंदर जो देही है वो अक्षय है, मीन्स द एम्बॉडीड विद इन अस इज इम्पेरिशेबल। हम सब दो चीजों से बने हुए हैं, जड़ और चेतन। चेतन आत्मा, जड़ 3 चीजों से बना हुआ है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। कुछ लोग टेक्निकल जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो जाता हूँ। तो सांख्य योग कहता है कपिल मुनि जी का, जड़ चेतन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मैटर और स्पिरिट। तो जो आत्मा है वो चेतन है, और जड़ 3 शरीरों से बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर 10 इंद्रियों का बना हुआ है। जो ग्रॉस बॉडी है इट हैज 10 सेंसेस, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, ऑर्गन ऑफ एक्शन, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां आंख, जीभ, नाक, कान और स्किन, और 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पांव, स्पीच, जेनिटल ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन। ये स्पीच एक ऐसी इंद्रिय है जो दोनों में आती है। स्पीच बड़ी इंटरेस्टिंग है, वाणी, ये स्वाद भी करती है और ये बोलती भी। सो ये 10 इंद्रियां हैं और ये 10 इंद्रियां स्थूल शरीर में आती है। ये रावण है, ये राक्षस है, जिसको जो जीव को कंट्रोल कर लेती है। जीव इनर बॉडी, इनर पर्सनैलिटी, 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। सटल बॉडी के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं। ये गलत है, लोग कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त के अंदर 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार मिलके चित्त बनाते हैं, और ये चित्त हमें चित्त करता है। कुश्ती में कहते हैं कि चित्त हो गया, चित्त हो गया मीन्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कंडीशन्ड कॉन्शियसनेस है। तो ग्रॉस बॉडी 10 इंद्रियों की बनी है, द फिजिकल बॉडी। इनसाइड द बॉडी वी हैव अ सटल बॉडी व्हिच इज मन, बुद्धि, अहंकार, जो चित्त बनाती है। एंड चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार आते हैं वासनाओं से, उनका का नाम है कारण शरीर। कारण शरीर मीन्स वासना, कॉजल बॉडी। मन, बुद्धि, शरीर की कॉज, कारण। तो मन, बुद्धि, शरीर का कारण है आपकी वासना, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति। कुछ प्रवृत्तियां मैनिफेस्ट होती है, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अभी जन्म हुआ उसमें शादी की वासना है, लेकिन वो वासना अभी अप्रकट है, अनमैनिफेस्ट है। जब समय आएगा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसी हम में लाखों, करोड़ों, अरबों वासनाएं हैं। ये वासनाएं कॉजल बॉडी है, अप्रकट है, अनमैनिफेस्ट है, राइट टाइम पे मैनिफेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, 80 साल की उम्र में आपको व्हील चेयर में बैठना है, आपको वॉकर के साथ चलना है, अभी वो वासना अनमैनिफेस्ट है, राइट टाइम पे मैनिफेस्ट होगी। सो जो वासना से कारण है, कारण का विचार है, विचार का कारण इच्छा है, और इच्छा का कारण स्थूल शरीर है। तो यदि वासना में लेजीनेस है, वासना में लेथार्जी, इनर्शिया है, तो थॉट भी लेथार्जी कहेंगे। यदि वासना में लेजीनेस है, स्वभाव, प्रवृत्ति, एप्टीट्यूड्स में लेजीनेस है, तो थॉट भी लेजीनेस के आएंगे। थॉट लेजीनेस है तो डिजायर भी लेजीनेस की होगी, एंड अंत गत्वा आपका शरीर भी क्या हो जाएगा, गोलगप्पे की तरह हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि जैसी जैसे वासना वैसे थॉट, जैसी थॉट वैसी डिजायर वैसे एक्शन। अब कई लोग सोचेंगे फिर तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। नहीं,
This is the beauty of human mind. This is the beauty of humanity. This is the beauty of you and mine. Aap consciously अच्छे thought को pick up कर लो. आप अच्छे thought को pick up करो. आपकी lower वासनाएं अपने आप चली जाएंगी. For example, लकड़ी के plank में आप गहरे scratch पे आ जाओ, तो आपके lower scratches, lower घाव अपने आप खत्म हो जाएंगे. So pick up a high वासना, pick up a high desire. पांच तरह की डिजायर है, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की, प्रभु की. हाय डिजायर पकड़ लो, छोटी इच्छाएं अपने आप छूट जाएंगी. बाइबल कहती है सीक द किंगडम ऑफ गॉड, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग विल बी एडेड अनटू यू. माम एकम शरणम व्रज, भगवान जी कहते तुम मेरी शरण में आ जा, तुझे मैं सारे सुखों से अर्पण कर दूंगा. पिक अप ए हायर वासना, पिक अप ए हायर डिजायर, पिक अप ए हाईएस्ट डिजायर, नॉट हायर, हाईएस्ट डिजायर क्या है? स्पिरिचुअलिटी की गारंटी है भगवान कृष्ण जी की. मां शुचा गारंटी है, 2000 रुपए के नोट पे गारंटी है गवर्नर की कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं. इट इज अ प्रॉमिसरी नोट. उस प्रॉमिसरी नोट पे आपको पूरा विश्वास है. क्यों? क्योंकि गवर्नर है. यहां भगवत गीता में भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं पिक अप ए हायर वासना, पिक अप ए हायर थॉट. तो कॉजल बॉडी में, वासनाओं में, थॉट में अच्छे थॉट लीजिए. आपके छोटे बेकार इडियोटिक थॉट अपने आप चले जाएंगे. लेकिन उस थॉट को पिकअप करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. ये अपने आप नहीं हो जाएगा. लेट मी थिंक अबाउट द हायर थॉट. मैं तो सोच रहा हूं. क्या सोच रहा हूं? हायर थॉट के बारे में. एक्शन विदाउट डायरेक्शन इज लेजीनेस. सॉरी, एक्शन विदाउट डायरेक्शन इज एरोगेंस क्रिएट करती है. डायरेक्शन विदाउट एक्शन क्रिएट्स लेजीनेस. एक्शन विदाउट डायरेक्शन हैज नो प्रोडक्टिविटी. Action without direction has no productivity. Direction without action is laziness. तो action कैसे किया जाए? अब भगवान जी गियर बदल रहे हैं. तो श्लोक नंबर 31 से 40 तक भगवान जी कहेंगे तेरा कर्तव्य कार्य करना है. तो thought में क्या हो, धाना में सुनो. यही नमस्ते है. This is the symbolism of नमस्ते. Your head, your heart, and your body is in synergy. Your body, your mind, your intellect, it has a synergy. And jab man, buddhi, your intellect synergy mein aa jaye, to dynamism aata hai. Aur jahan dynamism aaye, productivity aati hi aati hai. Ye khand jo aa raha hai 31 se 40 tak, yahan bhagwan ji karm ke bare mein bolenge. Aur famous shlok aayega 47va shlok, dusre adhyay ka 47va shlok, jahan bhagwan ji baat karenge karmanyeva adhikaraste ma phalesha kadachana. और उसके बाद 54वें श्लोक से भगवान जी बताएंगे सिद्ध पुरुष कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है. तो अब भगवान जी अपने आइडिया को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ बॉडी. आश्चर्य की तरह लोग आश्चर्य को देखते हैं, लोग भी आश्चर्य को आश्चर्य की तरह बताते हैं, लोग भी आश्चर्य की तरह आश्चर्य को सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम वो आश्चर्य को नहीं समझ पाते. यही सबसे बड़ा आश्चर्य. श्लोक नंबर 29 में बोला भगवान जी, श्लोक नंबर 30 में बोला सब शरीरों में शरीर ही सदा आवत्त है. तो शरीर का बद्ध होना है, शरीर ही का नहीं. अर्जुन क्षत्रिय है, वॉरियर है, इसलिए वो शब्द उसके लिए एप्ट है, उसके लिए जरूरी है. आपके मेरे लिए जरूरी ये है कि आप और मैं कभी मरेंगे नहीं. यू विल नेवर डाई. शरीर की मृत्यु होगी, देह का अंत होगा, और ये मन बुद्धि एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले लेंगे. कौन सा शरीर लेंगे? जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी वासना. तो अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 31. स्वधर्म मपि चावेक्षव न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य
नविकंपितुमर्हसि धर्म्याधियुक्ता श्रेयोन्या क्षत्रियस्य न विद्यते. फर्दर, लुकिंग एट योर ओन ड्यूटी यू शुड नॉट वेवर, फॉर देयर इज नथिंग बेटर देन बेटर फॉर अ क्षत्रिय देन अ राइटियस वॉर. श्लोक नंबर 31, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2, वर्स नंबर 31, भगवान कहते हैं, इसके अतिरिक्त तो स्वधर्म को देखते हुए भी तुझे कांपना नहीं चाहिए. एक नया आइडिया दिया भगवान जी ने, स्वधर्म, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है. स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मा भयावा. योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन. इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को होते, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को होते. नोबडी रोल्स अप हिज स्लीव्स एंड रेडी फॉर एक्शन, एवरीबॉडी वेट फॉर फ्राइडे नाइट. आजकल नहीं, लेकिन इन लोअर पीपल वेट फॉर फ्राइडे नाइट, नोबडी वेट फॉर मंडे मॉर्निंग. लेकिन मंडे मॉर्निंग का मतलब क्या है? यू हैव टू हैव अ पैशन. इफ यू हैव अ पैशन, स्वभाव, प्रवृत्ति, तो भगवान जी कहते हैं स्वधर्म, आप वो कर्म जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार हो, वो कर्म जो आपको, यू डोंट फील बोर्ड देयर. थक गया मैं, थक गया. कब थकते हो? व्हेन यू डोंट हैव अ पैशन. इसलिए गीता जी ने आज से 5000 साल पहले बोला, योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन. और अर्जुन का पैशन क्या है? अर्जुन का स्वभाव क्या है? इज अ क्षत्रिय, इज अ वॉरियर. इज अ क्षत्रिय, इज अ वॉरियर. और वो कर्म कीजिए जो आपको क्षत्रिय स्वभाव को, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है. वो कर्म, वो युद्ध जो धर्म युद्ध है, काम युद्ध नहीं है ये. दिस इज नॉट अ डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी, इट इज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, यू हैव टू डू इट. गीता जी में चार वर्णों के बारे में आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. गीता जी के आगे जाके उसको डिटेल एनालिसिस है. चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म प्रधान नहीं है. इट इज योर पैशन. यदि आपके पैशन में टीचिंग है, पढ़ना, तो आप ब्राह्मण हो. एंड यदि आपके पैशन में तड़क भड़क है, आपके पैशन में तड़क भड़क, नेम, फेम, पावर, ग्लोरी है, तो आप क्षत्रिय हो. और यदि आपके स्वभाव में पैसा कमाना है, तो आप वैश्य हो. और यदि काम करना है, दूसरे की नौकरी करना है, तो शूद्र. उत्तम खेती, मध्य व्यापार, तृप्त चाकरी, चौथा बेकार. उत्तम खेती, मध्य व्यापार. तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण जन्म प्रधान नहीं है. हमारे यहां तो ब्राह्मण को राक्षस माना गया, राक्षस को ब्राह्मण माना गया हमारे शास्त्रों में. रावण ब्राह्मण था, लेकिन हम उसे काले कपड़े पहनाते, राक्षस है. हिरण्यकश्यप की संतान प्रहलाद राक्षस योनि में जन्म हुई थी, लेकिन हम उसे भक्त प्रहलाद कहते. तो यह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म प्रधान नहीं है. चतुर्वर्ण माया सिस्टम, गुण कर्म विभाक्ष. चौथे अध्याय में कहते हैं भगवान जी, चार वर्ण जन्म प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है. लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ये तो जन्म प्रधान. और हम में चारों है. इस समय आप क्या हो? इस समय आप ब्राह्मण हो. ब्राह्मण का कर्म क्या? पढ़ना और पढ़ाना. पहले 18 साल हर बच्चा ब्राह्मण है, और उसके बाद जब जवानी जिंदाबाद आती है, तब सजना धजना शुरू हो जाता है. तब बार बार मिरर के सामने आना होता है, तब क्षत्रिय भाव आ जाता है. सारे स्पोर्ट्स में, सारे एक्टर्स, ये सब क्षत्रिय भाव वाले हैं. ये वॉरियर है. बिजनेस टाइकून जो वॉरियर है, वो क्षत्रिय भाव है. ब्राह्मण विद्या ग्रहण करने में ज्यादा लगता है. पहले 18 साल हम सब ब्राह्मण है, उसके बाद हम सब क्षत्रिय, और फिर पैसे के जोर में शुरू हो जाते हैं, फिर वैश्य भाव आ जाता है. अब ओल्ड एज में हम सोए रहते हैं, आलसी हो जाते. तो अर्जुन, बाय नेचर एंड बाय टेम्परमेंट एंड बाय बर्थ, बोथ वे यू आर ए क्षत्रिय. तो वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसे धर्म युद्ध स्वतः मिला.
स्वधर्म को देखते हुए भी तुझे कांपना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जाता हूँ। परधर्म स्वधर्म दो शब्द है। स्वधर्म मीन्स योर ओन टेम्परामेंट, योर ओन पैशन। कई लोगों को मेडिसिन बड़ा इंटरेस्ट लगता है, कईयों को ज्योग्राफी बड़ा अच्छा लगता है, कईयों को केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, कईयों को इंजीनियरिंग बड़े अच्छे हैं, होते डॉक्टर हैं लेकिन वो एम्बुलेंस रिपेयर करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और कई लोग होते बिजनेसमैन है लेकिन होम्योपैथी की गोलियां सारी दुनिया को देते पड़ते हैं। क्यों? वो क्योंकि प्रवृत्ति डॉक्टर की, वो प्रवृत्ति डॉक्टर्स की। तो वो कर्म बताओ जिसमें श्रेय है, शब्द है श्रेय। तो इफ यू फॉलो योर ओन पैशन, वो कर्म करो जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो तो श्रेय। अब कई लोग कहेंगे हम तो 80 साल के हो गए, अब हमारे हम क्या सुना। एजिंग इज अ मिथ, एजिंग इज अ मिथ। गोस्वामी तुलसीदास जी 72 साल के थे जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी। मोसेस 80 साल के थे जब उनके अंदर स्पिरिचुअल ज़ील आई। हरे कृष्णा के फाउंडर प्रभुपाद जी 62 ईयर्स के थे जब वो पहली बार यूएसए इस्कॉन को शुरुआत किया। महात्मा गांधी 47 साल के थे जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो डोंट गेट इन टू दिस मोड ऑफ मेरी तो उम्र ही नहीं रही। एजिंग इज अ मिथ। एनी गिवन टाइम यू कैन चूज योर पैशन, एंड इफ यू चूज योर पैशन यू विल वेट फॉर मंडे मॉर्निंग। वो कर्म करो जो आपके स्वभाव के अनुसार है तो आप मंडे मॉर्निंग का वेट करोगे। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर ए फ्राइडे नाइट, मीनिंग आप वो कर्म कर रहे जो आपके स्वभाव के विपरीत है, दैट विल नॉट गोइंग टू गिव यू सुखम, नाइदर शांति नाइदर समृद्धि। न सुख देगा न शांति देगा न समृद्धि देगा। आगे भगवान जी क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 2। यद श्रेया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखी नक्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखी नक्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। Happy are the Kshatriyas, O Partha, who get such a battle that comes unsought as an open door to heaven. मैं बार-बार ये repeat करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं गीता जी में कहाँ से लिखा गया है, तो गीता जी में अलग-अलग लिखा हुआ है। वो कर्म कीजिए जो आपकी लाइफ में स्वतः आता है, unsought। हे पार्था वो क्षत्रिय, chapter 2 verse number 32, चैप्टर 2 वर्स नंबर 32 भगवान कहते हैं, हे पार्थ पृथ्वीपुत्र पार्थ, पृथ्वीपुत्र पार्थ, बहुत ज्यादा नाम बार नाम लिया अर्जुन का। पार्थ, पार्थ मींस मिट्टी, पार्थ मींस मिट्टी, और उसी पार्थ के कारण कृष्ण जी को नाम मिला पार्थ सारथी। इस मिट्टी रूपी देह को चलाने वाले आत्मा, इस शरीर मिट्टी है और इस शरीर रूपी अंतकरण को चलाने वाले पार्थ सारथी कृष्ण। सो हे पार्थ, सबसे ज्यादा नाम दिया अर्जुन को, वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसे स्वर्ग के खुले द्वार की तरह इस प्रकार का युद्ध अपने आप मिलता है। आप भाग्यवान हो यदि आपको सनातन अध्यात्म ज्ञान स्वतः मिला है। आप बड़े भाग्यशाली हो। आई एम नॉट प्रेजिंग यू प्लीज, बट दैट इज द फैक्ट। वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको स्वर्ग के खुले द्वार की तरह, स्वर्ग के खुले द्वार का मतलब है फ्यूचर हैप्पीनेस, कैसे मिली है, अपने आप मिली है, जिद करके नहीं मिली आपको क्लासेस, आपको बहुत परेशान होके नहीं मिली, स्वतः मिली है। अब बार बार कहता हूं स्वतः, सहज श्रेष्ठ स्वीकार, जो प्रकृति आपको स्वतः देती है सहज है श्रेष्ठ है, कर डालो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये फॉर्मूला फॉर लाइफ है स्वतः। भगवान कहते हैं वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसको स्वतः सहज भाग्यवान है स्वर्ग के खुले द्वार की तरह। इस दुनिया में तीन तरह के सुख हैं, अभी का सुख, बाद का सुख, हमेशा का सुख।
अशोचानन वशोचक संप्रज्ञ वादन से पहले भगवान जी ने कहा कुतस्तु कशमलम इदम विषमे समुपस्थित अनारे जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म। अर्जुना अर्जुन ये जो तू कर्म कर रहा है ना तो तुझे कीर्ति देंगे अभी का सुख, ना तुझे स्वर्गम देंगे भविष्य का सुख, और ना ही तुझे मोक्ष देंगे सदा का सुख। इस दुनिया में तीन तरह के सुख हैं, अभी का सुख, बाद का सुख, हमेशा सुख। मैंने पानी पिया ये अभी का सुख है, कीर्ति अभी का सुख है। लेकिन आपने बैंक में एफडी कराई ये अभी सुख नहीं है, ये भविष्य का सुख है। तो भविष्य के सुख को गीता जी स्वर्गम कहती है। और गीता जी का ज्ञान हो जाए तो ये परमानेंट सुख है। तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसको स्वतः वो कर्म मिलता है जो उसके लिए सहज हो। अर्जुन के लिए युद्ध करना सहज था, तो यदि आपके लिए गीता जी समझना सहज है, यदि आपके लिए गीता जी के इन प्रवचनों को समझना सहज है, और आप तो सहज, आपको ये स्वतः मिले और ऑब्वियसली ये श्रेष्ठ एक्टिविटी है, तो छोड़िए मत। आई एम नॉट सेइंग मुझे मत छोड़िए, मुझे तो छोड़ोगे बेटर है, लेकिन उसको छोड़िए जो आप, उसको मत छोड़िए जो आपको हायर दिशा और दशा तरफ ले जाता है। तो वो क्षत्रिय भाग्यवान है जिसको स्वर्ग के खुले, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, कोई ऊपर स्वर्ग नहीं बैठा हुआ, ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम है, ठंड है बहुत। यदि आप फ्लाइट में जाते हो तो यदि बाहर का टेम्परेचर देखो, कभी कभी हवाई जहाज में तो बाहर आउटसाइड टेम्परेचर आता है तो -50 -60 टेम्परेचर होता है। तो डोंट थिंक यू ऊपर कोई स्वर्ग नरक बैठा हुआ। जॉन मिल्टन ने कहा माइंड हैज इट्स ओन प्लेस, जॉन मिल्टन ने कहा माइंड हैज इट्स ओन प्लेस, इट कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। मन की वो स्थिति है नरक में स्वर्ग बना दे, स्वर्ग में नरक बना दे। गालिब ने तो और अच्छी तरह से बताया, गालिब कहता कौन जाए गालिब, जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ। गालिब ने कहा मुझे एग्जैक्ट शेर नहीं याद, लेकिन उसका लब्बो लबाब यही है, उसका जेस्ट यही है, जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल गालिब ये अच्छा है। जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल गालिब ये अच्छा है। अगली लाइन है, पता नहीं गालिब ने बोली है किसने बोली है, बट एप्ट है। तो गालिब ने कहा जन्नत की हकीकत से गालिब है वाकिफ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल गालिब ये अच्छा है, कौन जाए गालिब है जन्नत। गालिब कहता है कौन जाए गालिब है जन्नत, जहां हूरे हजारों साल बूढ़ी हूं, पता नहीं कितनी सदियों से वही रंबा अंबा अंबालिका चले जा रही है, मेनका चली जा रही है, क्यों चले जा रही है। कौन जाए गालिब है जन्नत, जहां हूरे हजारों साल बूढ़ी है। तो ये ख्याल है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल गालिब ये अच्छा है, कहीं ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है। प्लीज आठवें अध्याय जब आएंगे तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, अभी चला गया तो फिर साइड ट्रैक हो जाऊंगा। स्वर्ग नरक पूरी डिटेल है, भूलोक क्या है, ब्रह्म लोक क्या है, वैकुंठ क्या है, आठवें अध्याय में भगवान जी डिटेल में बताएंगे। लेकिन वो भाग्यवान है जिसको स्वर्ग के खुले हुए द्वार की तरह। तो ये मत सोचना कहीं ऊपर हेवन और हेल, कहीं नहीं, कहीं नहीं। शास्त्र कहते हैं इट इज योर ओन माइंड, योर माइंड कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन। ये 21 दिन किसी के लिए हेल है, ये 21 दिन किसी के लिए हेल है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेवन। सो हेवन और हेल फिजियोलॉजिकल प्लेस नहीं है। सो वो आदमी बहुत खुशकिस्मत है जिसको स्वर्ग के खुले द्वार की तरह, मींस फ्यूचर हैप्पीनेस की तरह वो कर्म मिला जो उसके लिए स्वभाव में स्वतः मिला, उसके लिए सहज है, श्रेष्ठ है। डू इट यार, डू इट। और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिले प्रसाद अधिक अच्छे। बस नंबर 33। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हेत्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं
संग्रामं करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हेत्वा पापमवाप्स्यसि. Now, if you will not wage this righteous war, then having abandoned your duty and fame, you will incur sin. भगवान कृष्ण जी गीता जी के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, चैप्टर 2 वर्स नंबर 33, अब यदि तू इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप का भोगी बनेगा. पाप मींस एजिटेशन. पाप क्रिया में नहीं है, प्रतिक्रिया में है. एक्शन इज सिन इज नॉट इन एक्शन बट इन रिएक्शन. देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. पाप क्रिया में नहीं है, प्रतिक्रिया में है. सिन इज नॉट इन एक्शन बट इन रिएक्शन. तो जिस कर्म को करने के बाद आपको ग्लानी होती है, जिस एक्शन को करने के बाद आपको गिल्ट आती है, वो पाप है. मांस खाना पाप है, ये पूजा करना पाप है. दिस इज ऑल इन योर ओन माइंड. शेर के लिए मांस खाना पाप नहीं है. पूजा करना, मैं ये नहीं कह रहा पाप है पुण्य है, लेकिन इट इज योर माइंड. यदि आप उसे मैकेनिकल करते हो, एजिटेट हो जाएगा. हम सब लोग कहते हैं गीता जी पढ़नी चाहिए, रोज गीता जी पढ़नी चाहिए. हम कैसे पढ़ते हैं? हम ऐसे पढ़ते हैं, अब यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं लड़ेगा तो स्वधर्म कीर्ति को त्याग कर पाप का भोगी बनेगा, और लोग भी तेरी चेष्टा कृति को दोहराएंगे और मानने के लिए कृति बहुत से बदतर है. महारथी सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से हटा हुआ, जिसे और तेरे दुश्मन तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, काफी बुरे शब्द होंगे, इससे तो दुखदायक होगा. कुछ नहीं होने वाला, इससे एजिटेशन ही होगी. एक बार मैं टोरंटो गया तो किसी ने मुझे बुलाया कि हम आपका प्रवचन करते हैं 1 बजे. मैंने कहा ठीक है, 1 बजे करेंगे. उन्होंने कहा हमने अखंड पाठ रखा है रामचरितमानस का, तो वो 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका लेक्चर करा देंगे और 24 घंटे का अखंड पाठ है. मैंने कहा ठीक है. तो मैं 12 बजे तक पहुंच गया. 1 बजे लेक्चर था, 12 बजे पहुंच गया. और 12 बजे जब पहुंचा तो अभी वो रामचरितमानस के इतने पेजेस हो, और 12 बजे जो उन्होंने रेल लगाई रामचरितमानस की, जो दर 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 पड़े, 3 बजे तक पढ़ते थे. लेकिन सारे लोग जो बैठे हुए थे, भूख लग रही, एजिटेटेड थी. मुझे बोला उसके बाद आप कुछ प्रवचन बोल दो. मैंने कहा नहीं, अब खाना खा. कर्म में कोई पाप और पुण्य नहीं है. ये पाप है क्या, ये पुण्य क्या, हितों पर धर्म की मोहरें हैं. मजूर सुल्तानपुरी का गाना है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम ना पा सके, उस लोक को कैसे पाओ. फिल्म का नाम कौन सा था? चित्रलेखा फिल्म का नाम था. उसमें संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को तुम ना पा सके, उस लोक को कैसे पाओ. ये भोग भी एक तपस्या है, तुम सब त्याग के मारे क्या जानो. उसमें एक लाइन है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं. रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर वक्त बदलते धर्मों को कैसे तुम अपनाओगे, इस लोक को तुम ना पा सके, उस लोक को कैसे पाओगे. आज से 5000 साल पहले दूध बेचना पाप था, विदुर नीति में आता है. आज से 5000 साल पहले दूध बेचना ऐसे है जैसे मां को बेचना. हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मम्मी बताती है, जब गांव में गाय होती थी तो पहले बछड़े को सारा दूध दे दिया जाता था, उसके बाद दूध हमें लोग पीते थे, घर वाले पीते थे. लेकिन आज यदि आप चले जाओ तो बछड़े के मुंह पे रस्सी बांधी होती है, मुंह बंद होता है, थोड़ा सा दूध निकाल के उसको हटा दिया जाता है. आज से 5000 साल पहले दूध बेचना पाप था. फिर आया नहीं, दूध बेचना तो पाप है लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे देना ठीक है. फिर समय बदला, कहने लगे दूध बेचना ठीक है, प्रॉफिट में बेचना भी ठीक है,
लेकिन कम से कम पानी मिला के तो मत बेचो। और आज क्या कहते, दूध बेचना भी ठीक है, प्रॉफिट में बेचना भी ठीक है, पानी मिला के बेचना भी ठीक है, लेकिन कम पक्तो साफ पानी तो मिला के बेचो। दक्षिण भारत में सर पे पल्लू रखना पाप है, बुरा है, उत्तर भारत में वो पुण्य है। मां की दाल पंजाब में शुभ मुहूर्त में खाई जाती है, शुभ दिन है, और वही मां की दाल यूपी में डेथ में खाई जाती है, अशुभ है। ये पाप पुण्य क्या है? रीतों पर धर्म की मोहर है, एजिटेशन है। जिस कर्म को करने के बाद आपको ग्लानी हो, जिस कर्म करने के बाद आपको गिल्ट हो, वो पाप। तो पाप और पुण्य, यदि तू धर्म युद्ध नहीं लड़ेगा, स्वधर्म और कीर्ति को त्याग के पाप का भोगी बनेगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है, युद्ध का तो कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, सब ने संकल्प बजा के ढोल मृदंग बाजे बज चुके हैं। और यदि ये युद्ध छोड़ के चला जाए अर्जुन, ऑफकोर्स तो पांडवों का मोराल खत्म हो जाएगा, और युद्ध छोड़ के चला जाए और उसे साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, और उसे जंगल में हिमालय में पता चले कि पांडव हार गए, तो क्या होगा? उम्र भर अर्जुन के मन में ग्लानी रहेगी। एनी एक्शन विच क्रिएट्स ए गिल्ट विद इन यू इज ए पापम। एनी वो कर्म जिसको करने के बाद आप में गिल्ट ना हो, वो पाप नहीं है। तो मन अर्जुन, यदि ये धर्म युद्ध तुझे जो मिला है इसको नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म भी है, तुझे कीर्ति भी दे रहा है, तुझे नाम फेम पावर ग्लोरी भी देगा, और तुझे स्वर्ग भी देगा। अब छोड़ दीजिए अर्जुन, अपनी जिंदगी में आइए। अर्जुन तो 5000 साल पुरानी बात है, हमारे लिए क्या रेलेवेंस है? द रेलेवेंस ऑफ द गीता इन अ मॉडर्न लाइफ। मेरे लिए और आपके लिए क्या ऑप्शन है? जो कर्म आपको मिल रहा है और उसको आप छोड़ देते हो, जो कर्म आपको स्वतः मिल रहा है और आप उसको नहीं करते किसी कारणवश, आपको कुदरत वो कर्म बलादिवत करवाएगी। आई रिपीट, जो कर्म आपको स्वतः मिला है और आपको करना, और आप किसी जिद के कारण, किसी इग्नोरेंस के कारण, किसी कामना के कारण, किसी इग्नोरेंस के कारण उस कर्म को नहीं करते, कुदरत आपसे वो कर्म बलादिवत कराएगी। क्योंकि हम सब लोग इस संसार में कर्म का कोटा लेके आए हैं, एक कर्म का कोटा है, उस कोटे को खत्म करके जाना है। मैं एक फैमिली को जानता हूं जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ थे और कई रीजन थे, वो बिजी रहा, और वाइफ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते, इच्छा थी, नथिंग रॉन्ग, लेकिन वो डिजायर इतनी स्ट्रांग होती गई। रिटायरमेंट के बाद वो अपने विलेज चले गए, अपने एरिया चले गए, और वो लेडी अगले 3 साल से इतनी बीमार है कि हस्बैंड को पूरी उसकी सेवा करनी पड़ी। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन जो कर्म का कोटा आप लेके आए हो, यू हैव टू फिनिश इट। इसलिए शुभम शीघ्रमस्ति, शुभम शीघ्रमस्ति, जो शुभ कार्य आपको स्वतः मिला हो, सहज हो, श्रेष्ठ हो, अभी कर लो, लेकिन कुदरत अभी उसको आपने किसी इग्नोरेंस के कारण नहीं किया, तो कुदरत बलादिवत वो कर्म कराएगी। इसलिए भगवान जी कहते हैं, तुझे ये युद्ध मिला है, तेरे लिए सहज है, स्वधर्म है, यदि नहीं करेगा तो उम्र भर पाप चढ़ेगी। अर्जुन छोड़ दीजिए, आप और मैं अपनी लाइफ में आइए। यदि आपको ये 21 दिन स्वतः मिले हैं और आपके लिए गीता जी, वेदांत, उपनिषद समझना सहज है और आपके पास समय उपलब्ध है, तो इसको सुन लीजिए। मैं नोटिस करता हूँ 7 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, 7:05, 7:10, 7:11 अभी तक लोग ज्वाइन करे, क्या ट्रैफिक में अटके हुए थे आपके? अब ट्रैफिक में अटके हुए थे और क्लास में लेट आते तो सर जी ट्रैफिक अटक गया। 7 बजे क्लास हो रही है, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रैफिक में अटके हुए थे क्या? आपके घर में, आपके लैपटॉप में, आपके फोन पे प्योर सत्संग आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहे? मैं नहीं कहता आओ, लेकिन आओ तो प्लीज 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो, ताकि लास्ट में होस्ट को वो स्विच ऑफ करने में टाइम ना वेस्ट हो।
स्विच ऑफ करने में टाइम वेस्ट ना हो, तो यदि इफ यू वांट टू कम प्लीज कम, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ब्लॉक कर सकता हूँ 7:05 के बाद सारे, कोई भी आएगा तो मिस वो आवाज को नहीं सुन पाएगा, बट दैट्स नॉट माय नेचर, मेरा स्वभाव नहीं है, सो यू कम व्हेनेवर यू फील लाइक, लेकिन कोशिश कीजिए 6:55 तक लॉग इन कर लीजिए, 6:55 तक लॉग इन कर लीजिए, ताकि उसके बाद ये बीच में जो आवाजें आती हैं बंद हो जाए। हैविंग सेड दैट, यदि आपके लाइफ में ये नॉलेज स्वतः ये सहज शिष्य, डू इट, उसके बाद जो भी फल मिले प्रसाद की तरह, इसके बाद आपको कभी गिल्ट नहीं होगी, ग्लानी नहीं होगी। वर्स नंबर 34। आखिर दिन जाति जोतानी कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। People also will recount your perpetual dishonor, and to the honored, dishonor is worse than death. Giro aise giro jaise maa ki aankhon se aansu girta hai. Giro aise giro jaise bhagwan ke charno mein phool girta hai. Giro aise giro jaise ran mein yuddha goli kha ke girta hai. Giro par kabhi kisi ki nazar se mat giro. Kisi ki nazar se bhi गिर जानी पड़ता, कभी अपनी नजरों से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजर से गिर जाए उसको भगवान भी नहीं उठा सकता। आई रिपीट, जो अपनी नजर से गिर जाए उसको भगवान भी नहीं उठा सकता। तो यहाँ भगवान जी 34वें श्लोक वर्स नंबर 34 चैप्टर 2 में, लोग भी तेरी चिरस्थायी अकीर्ति को दोहराएंगे और मानने के लिए अकीर्ति मौत से पत्थर। श्लोक को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, कल शाम को जब मिलेंगे तो श्लोक को मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं दो शब्द आपको इस्तेमाल करना चाहता हूं, और वो है महत और पुरुषार्थ और टोटल वासना। ज्यादातर लोग टोटल वासना में फंस जाते हैं, महत में फंस जाते हैं। बहुत रेयर है कोई लोग जो एकला चलो की बात। ज्यादातर लोग कीर्ति नाम यश में फिसल जाते। एक महत बनता, महत मीन्स टोटल वासना। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क की टोटल वासना क्या है? दौड़ना 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 दौड़ना। लास वेगास की टोटल वासना क्या है? लास वेगास की जुआ। आप माता रानी के मंदिर में जाते हो, टोटल वासना, महत क्या है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप वृंदावन जाते हो, राधे 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 राधे। अब हरिद्वार में जाते हो, जय जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बालाजी के जाते हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बद्रीनाथ जाते हैं, बद्री विशाल। इसे कहते हैं महत। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। मैं नहीं कहता नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ वी फंक्शन। संग माहौल में फंस जाते, ताश पार्टी में तो ताश खेलने लगते, सत्संग में तो सत्संग कर लेते, पार्टी में तो नाचना शुरू कर देते। यदि किसी की क्रिया में गए तो सैड हो जाते, किसी के बच्चे के जन्म में गए, हैप्पी बर्थडे टू यू, महत में फंस जाते। बहुत कम लोग हैं जो महत को बदलते, बहुत कम लोग हैं जो महत को चेंज करते। ऐसे लोग रेयर हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जब भारत 1930 की बात है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारतीयों ने गुलामी को लगभग स्वीकार कर लिया। हमारे घरों में पुरानी फोटो देखिए तो अंग्रेज बीच में बैठा होता था और आसपास चारों तरफ लोग बैठे होते थे। लेकिन तब महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारी आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी आए और उन्होंने टोटल महत को बदल दिया, टोटल महत को बदल दिया। तो अगर आपकी वासना स्ट्रांग है तो आप टोटल महत को बदल देते हो, और अगर आपकी वासना वीक है, आपके प्रवृत्ति वीक है, तो टोटल महत में कोलैप्स हो जाते। फॉर एग्जाम्पल,
आप एक कथा में बैठे हो, एक सत्संग में बैठे हो, क्लास चल रही है, टोटल महत कथा का, और सडनली वहां पे लता मंगेशकर आ जाती है, सडनली वहां लता मंगेशकर जी आ जाती है, एक इंडिविजुअल के आते ही टोटल महत बदल जाता है। अब सब लोग संगीत के बारे में बात करने लग जाएंगे, छोटा बच्चा आ जाए घर पे, सारा घर का महत बदल जाता है। महत मीन्स टोटल वासना, एक छोटा सा बच्चा आ जाए तो वो पूरा का पूरा महत बदल देता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। 1914 से 1919 तक वर्ल्ड वॉर वन हुई, जर्मनी कोलैप्स हो गया, टोटली डिस्टर्ब हो गया, जर्मनी के पास खाने के पैसे नहीं थे, एक सिंपल लोफ के लिए गोल्ड देना पड़ता था। 1919 से एक इंडिविजुअल आया, अडॉल्फ हिटलर जर्मन के हॉराइजन में, और उसने टोटल जर्मनी का महत बंद चेंज कर दिया, और 1939 से 1944 तक पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर दिया। नॉट सेइंग पॉजिटिव, इवन नेगेटिव आदमी भी टोटल महत को बदल देता है। घर में एक नेगेटिव स्ट्रांग आदमी आ जाए, घर में एक नेगेटिव स्ट्रांग प्रवृत्ति वाला, थॉट वाला, स्ट्रांग वासना वाला व्यक्ति आ जाए, वो घर को बदल देता है। और घर में एक स्ट्रांग पॉजिटिव प्रोपेंसिटी वाला, पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति आ जाए तो पूरे माहौल को बदल देता है। और घर आपकी वासना मीडियोकर है, और घर आपकी वासना मीडियोकर है, नॉर्मल है, ऐसी तो सब ठीक ठाक रहते हैं। यदि आपकी वासना में कोई भी ऊर्जा नहीं है तो स्ट्रांग महत वाला आपको डोरमैट बना के रखेगा। यदि आपकी वासना में कोई स्ट्रांग वासना नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो स्ट्रांग वासना वाला एक व्यक्ति हजारों को डोरमैट बना के रखेगा। इन दिस इज लाइफ, ये युद्ध है। तो स्ट्रांग थॉट्स बनाइए, स्ट्रांग महत बनाइए, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आपके आने से लोगों के चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए। उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उनके जाने से जब आती है चेहरे पे रौनक, तो समझ लेना आपका क्या हाल है। सो अपने आप को प्रबल बनाइए, सबल बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को दृढ़ बनाइए, ताकि आप महत्व को बदल सके। और गीता जी आपको सक्षम बनाएगी, गीता जी आपको स्ट्रांग बनाएगी, इसी विश्वास के साथ। हरि ओम तत्सत। ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, हरि ओम, थैंक यू, हरि ओम, हरि ओम गुरुजी, हरि ओम।